दोस्तों आपको पता तो है ही, साल 2020 देश व पूरी दुनिया के लिए कितना बुरी परिस्थितियों वाला साल था। लेकिन इतिहास में एक साल ऐसा भी था जिसके सामने साल 2020 आपको अच्छा लगने लगेगा। यूं तो इतिहास में कई बुरी परिस्थितियां आईं, जैसे साल 1918 में स्पेनिश फ्लू के चलते 5 से 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, या फिर 1941 से 45 के बीच जर्मनी में नाजियों ने करीब 60 लाख यहूदियों को मारा था, या साल 1347 से 1351 तक यूरोप में ब्लैक डेथ महामारी के चलते 8 से 20 करोड़ लोगों की जान चली गई, मतलब आधी से भी ज्यादा यूरोप की जनसंख्या इस ब्लैक डेथ महामारी के चलते खत्म हो गई। लेकिन साल 536 इतिहास का आज तक का सबसे बुरा परिस्थितियों वाला साल माना गया है। माइकल मैकॉर्मिक, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिवल हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, जब उनसे पूछा गया कि इतिहास का सबसे बुरे परिस्थितियों वाला साल कौन सा है, तो उन्होंने साल 536 का नाम लिया, क्योंकि साल 536 में एक रहस्यमय कोहरा पूरे यूरोप और उत्तर पूर्व एशिया में छा गया, जो कि वह कोहरा 18 महीनों तक बना रहा। सूरज तो हमेशा निकलता था, लेकिन इन 18 महीनों में सूरज मानो चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा था, मतलब सूरज का प्रकाश धरती के तल तक नहीं आ पा रहा था एंड हर जगह अंधकार छाया हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि साल 536 में गर्मियों के समय में भी 1.5 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता था, क्योंकि सूरज की रोशनी जमीन पर ना पड़ने के कारण ठंड बढ़ रही थी। तो आप ही सोच सकते हैं कि गर्मियों में इतनी ठंड पड़ती थी तो सर्दियों में क्या हाल हुआ होगा। इतिहासकारों के अनुसार साल 536 के इस शरीर को जमा देने वाली ठंड पिछले 2300 वर्षों में सबसे ठंडा दशक रहा। इसकी वजह से चीन में बर्फ गिरने के कारण उस साल सारी फसलें बर्बाद हो गईं, जिसके चलते आधी दुनिया जानलेवा भुखमरी से गुजर रही थी और हजारों लाखों लोग भूख के कारण मारे गए। यह भुखमरी साल 536 से साल 539 तक चली, मतलब यह भुखमरी आज तक की इतिहास की सबसे भयानक भुखमरी थी। अब आप इतने में ही समझ गए होंगे कि साल 536 कितना बुरी परिस्थितियों वाला साल था। लेकिन फिर इससे भी बुरा हुआ, क्योंकि 5 साल बाद, मतलब साल 541 में इतिहास में दर्ज की गई पहली भयंकर जानलेवा महामारी, जिसका नाम जस्टिनियनिक प्लेग था, वह ईस्टर्न रोमन एम्पायर में फैल गई, जिसमें लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। इन 3-4 वर्षों में इतना सब होने के कारण लोगों को लगा कि ईश्वर हमसे नाराज है और वही ये सब कर रहे हैं और पृथ्वी का अंत होने वाला है। यह रहस्य सदियों तक बना रहा कि वह रहस्यमय कोहरा कैसे बना, लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इसका सच ढूंढ निकाला है। साइंटिस्ट ने बताया कि साल 536 की शुरुआत में आइसलैंड में एक मैसिव वोल्केनो इरप्शन हुआ था, जिसके छोटे छोटे कण राख के रूप में, जिसके चलते यह कोहरा बना और पूरे यूरोप व मध्य पूर्व एशिया में फैल गया। एंड ये वोल्केनो इरप्शन इतना मैसिव था जिसने उस समय पूरे अर्थ के क्लाइमेट पैटर्न्स को उलट पलट कर दिया था, जिसके कारण यह सब घटनाएं घटी। एंड उस वोल्केनो इरप्शन के कुछ सालों बाद ही साल 540 एंड साल 547 में दो और मैसिव वोल्केनो इरप्शन हुए, जिसका असर भी लोगों को झेलना पड़ा। कई इतिहासकारों का कहना है कि वो दौर ऐसा था जिसमें लोगों का जिंदा रह पाना भी ना के बराबर था, चाहे वे लोग अमीर हो या गरीब हो, सभी इन घटनाओं से पीड़ित थे। यूरोप को इन परिस्थितियों से उभरने के लिए एक दशक से भी ज्यादा का समय लगा और 6वीं शताब्दी को इतिहास में डार्क एज के नाम से याद किया जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन से साल की परिस्थितियाँ ज्यादा बुरी थी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर क्लिक कर दें। तो मिलता हूँ आपसे अगले ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।